आज वाकई एक माइलस्टोन है गोल्ड प्लस के लिए। हमारे लिए, मेरे लिए, पूरी टीम के लिए, जिस चीज के लिए हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे। I remember that that was the lockdown period and we were at our home. So I used to be on the calls and what I heard from my seniors was ki that was the first time humne itne bade project ka finalization online kiya tha. In November 2021 humne yahan pe ground break kiya aur yahan pe actual site pe kaam start kiya. And target tha ki this year we have to start production. 15 mahine ke andar दो लाइन की कंस्ट्रक्शन और एक लाइन की प्रोडक्शन लाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कोई कर पाए। देखिए, इंडस्ट्री इतनी आसान तो नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों का सहयोग आपको बहुत सपोर्ट करता है। पूरी टीम यहाँ पर लगी रही, पूरी मेहनत करी और इस टारगेट को अचीव भी किया। स्टार्टिंग हमने जब किया था कोई फैसिलिटी नहीं था, कुछ नहीं था, कंटेनर में भी यूज सेट इन द कंटेनर फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। अभी सिर्फ फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया है कि फर्स्ट प्लांट की अभी प्रोडक्शन आई है। दिस प्रोजेक्ट हैज 3 लाइंस एंड वी हैव बीन एबल टू स्टार्ट फर्स्ट लाइन विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 15 मंथ्स। दैट्स अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। इंडिया में तो कभी नहीं हुआ ऐसा। वर्ल्ड वाइड भी बहुत रेयर ओकेजन्स हैं जहाँ पर ऐसा शायद हुआ होगा। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द टीम, अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वी वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर ग्लास टू कम आउट ऑफ द प्लांट दैट वी हैव सेट अप। सुना था कि जो खुशी के भी आंसू होते हैं वो महसूस किया 27 को कि खुशी के भी आंसू होते हैं। इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वी वेंट टू चेरिश, ऑल वर सो हैप्पी। जो पहली बार हमने जो ग्लास को देखा ना, वो खुशी जितनी हुई कि आंख से खुशी के मारे आंसू निकल लेते। जो हम लोग आज का दिन ये जो अचीव किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का बात है। हमें ऐसा लग रहा था कि एग्जाम के बाद रिजल्ट आते, अभी वेट करते हैं, उसके पहले का जो माहौल रहता है ना, वो दैट इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। तो वी वर एक्सपीरियंसिंग दैट सिंस लास्ट 4-5 डेज, बट जब वो फाइनली ग्लास लेकर है तो हम बोल सकते हैं कि हमने टॉप किया है। यू कैन सी द एफर्ट्स पुट बाय द पीपल, पीपल हैव बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक। काम करते हुए किसी ने भी कुछ नहीं सोचा। इवन अभी जब हमारा जैसे आज प्रोडक्शन आ रहा था, तो ग्लास पुलिंग के टाइम पर गर्म रॉड होता है, तो उस टाइम पर मैं उसे पुल कर, मतलब पता था कि वहाँ पे नहीं टच करना, बट रिक्वायरमेंट था कि उनको चाहिए था, तो इमीडिएटली बिना सोचे मैंने उसको उठाया, जिससे कि 5 फिंगर जितने भी हैं वो सब बर्न हो गई। तो एक जोश था जो वो था उसकी, उसमें हमने उठा के दिया, फिर वो किया तो सक्सेसफुली वी हैव डन दैट। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। इतनी मुश्किलों के बाद कोविड के टाइम में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी, बीच में लॉकडाउन भी रहे थे, जो चाइनीज आने थे हमारे उनके वीज़ा के बहुत इशू रहे, वो लोग नहीं आ पाए ज़्यादा, कुछ लोग रहे, और हमारी टीम ने लीड लेके ये इंश्योर किया कि हम उसमें टाइम नहीं वेस्ट हुए। जो भी उनके डिज़ाइन थे उससे हमने टेयर जॉस, फर्नेस, स्टील बाथ, एनिडिन लेयर बनाई, साथ साथ में कोल्ड लेंस से सिंक्रोनाइज किया। चाइना की तरफ से जो ये पैनल आए हुए थे उनमें कुछ प्रॉब्लम निकली। एक्चुअली जो फेस टू अर्थ गैप होता है वो 35 mm का होता है, बट वहाँ पर 25 mm का हुआ, जिसकी वजह से फिर उसमें मेंटल एक्सीट लगा करके और फिर कंप्लीट किया गया। जो स्टार्टिंग की छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सब जगह है, लेकिन प्लानिंग बहुत परफेक्ट रही और जो हमारी टीम वर्क था उसने बहुत बढ़िया काम किया। टाइम से सारी चीज़ें लगाई, पूरी क्वालिटी के साथ रहे, अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने। और ये भी एक मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि वी हैव अ वंडरफुल टीम जिनको पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और उन्होंने पूरा दिखाया कि वी आर केपेबल ऑफ पुटिंग अप अ लाइन ऑन आवर ओन। Everything by the grace of God, everything has been quite well till now, and God has been kind to us, people has been very supportive with us. तो इन सब चीज़ों की सब मिला के ही बहुत खुशी है, और ये खुशी आप पूरी टीम के चेहरे पर आज देख सकते हो कि आज जब फाइनली ग्लास निकला है, सबका हार्ड वर्क, सबका डेडिकेशन, सबकी दिन रात की मेहनत फाइनली आज सफल हो रही है। हम और सबके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट है, एक खुशी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नॉट फ्रॉम द टॉप,
द हायरार्की, द टॉप, सब ऊपर से लेके नीचे तक एवरीबॉडी, ऑल टीम, मतलब आई विल से फ्रॉम द पीएन टू द हाईएस्ट पर्सन इन दिस फैक्ट्री, एवरीबॉडी हैज वर्क्ड डे एंड नाइट फॉर दिस प्रोजेक्ट. लोगों ने बहुत मेहनत करी है यहाँ पर, दिन रात मेहनत करी है. सब लोग साइट पे ही रह रहे हैं, दिन अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं. दे हैव मिस्ड देयर फंक्शंस, त्योहार, दिवाली, होली, दे हैव मिस्ड यू नो बीइंग विद देयर फैमिली. लेकिन कभी भी आप उनके चेहरे पे ऐसा नहीं देखोगे कि कमिटमेंट की कभी कोई कमी आई. अपनी लिमिट से ज़्यादा उन्होंने किया, जैसे हमारा, हम खुद एक्सपेक्टेशन जो हमारा था उन्होंने ऑलरेडी खुद से आगे किया कि नहीं सर, वी हैव टू डू दैट, सो वी विल स्टे फॉर लॉन्ग. तो इससे अच्छी खुशी क्या होती है जब आप इतनी बढ़िया टीम के साथ काम कर रहे हो, इतने जोश के साथ काम कर रहे हो. एंड सेकेंड इज चेयरमैन सर, तो उनका जब टारगेट होता है कोई, और वंस ही सेट्स हिज टारगेट, इस प्रोजेक्ट में डे वन से उन्होंने लीड किया कि ये प्लांट हमें एक साल के अंदर अंदर लगाना है, और ये इंश्योर करने के लिए वो खुद भी साइट पे आके रहना शुरू कर दी. तो उनका रोल एक बहुत बड़ा रहा, उनकी गाइडेंस एक बहुत बड़ी रही है यहाँ पर पूरी टीम के लिए. काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने किलोमीटर की दूरी है, उससे कई ज़्यादा किलोमीटर की दूरी गोड प्लस ने अपने कैनाल से गिलास निकाल दिया सीएमडी साहब के मार्गदर्शन में. ये पहली ही लाइन है, अभी दो लाइन और बची है, उसके लिए काम जारी रहेगा. तब तक रहेगा जब तक बाकी दो लाइन भी कमीशन नहीं हो जाती अगले जनवरी तक. हमारी सोलर लाइन की कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है, उसका भी हमारा टारगेट है कि अगस्त सेप्टेम्बर में हम उसकी प्रोडक्शन लेकर के आएंगे. यानी दो साल के अंदर आपकी तीन प्रोडक्शन लाइन की स्टार्ट हो जाएंगी और उनकी फुल लेंथ प्रोडक्शन आ जाएगी, जो एक रिकॉर्ड होगा. यस, इट्स अ मेजर माइलस्टोन फॉर द कंपनी एज अ होल, फॉर एवरीवन हु हैज बीन वर्किंग हियर डे एंड नाइट फॉर लास्ट 1.5 ईयर्स. इस तरह का टारगेट अचीव करने के लिए आपको हर चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, आपको लोग अच्छे मिलते हैं, लोग अपनी कंपनी के भी अच्छे मिलते हैं, आपको बैंकर्स अच्छे मिलते हैं, इन्वेस्टर्स अच्छे मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अच्छे मिलते हैं, और इन सब ने ही हमारे को हेल्प करी है ये टारगेट को अचीव करने के लिए. अगर हमें, मैं शुरुआत से अगर स्टार्ट करूं तो हमारे को इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे टाइम से, उन लोगों ने डिसीजन दिया, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, हमने केक स्टार्ट किया प्रोजेक्ट. देन वी हमारे बैंकर्स, तो जो लीड बैंक है SBI, उसने डिसीजन लिया कि वो अकेला अंडरराइट करेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को, उस चीज़ से हमारा बहुत टाइम सेव हुआ. फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो यहाँ पर जिनसे भी हम मुलाकात करते रहे, उन्होंने ये इंश्योर कराया कि हमारे को किसी परमिशन में, किसी भी चीज़ में डिले नहीं होगा. तो वो एक मेजर हेल्प थी जिसकी वजह से हम ये प्रोजेक्ट कर पाए. इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करें और उसके बाद इस फैक्टर को कंबाइन करें कि हमारी टीम जिसने ये इंश्योर कर दिया कि दिन रात मेहनत करके हम ये इंश्योर करेंगे कि यार टाइम से प्रोजेक्ट लगता है. तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर आए, तब जाके हमने ये लाइन को इस रिकॉर्ड टाइम में लगाया है यहाँ पे. तो खुशी तो होगी, ये सिर्फ लाइन चलाना नहीं है, एक रिकॉर्ड टाइम में लाइन चलाने की खुशी है. देर आर मेनी माइलस्टोन नाउ टू अचीव. ये जोश ठंडा अभी नहीं होगा जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन प्रॉपर्ली नहीं हो जाता. तो यस, इट्स अ स्पेशल डे.